नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। में हूं आपके साथ महेश जैन। जिला चिकित्सालय में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जिस नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी और जिन्हें अस्थायी रूप से चिकित्सालय में सेवाओं के लिए रखा गया था और कोरोना की महामारी के समय वो हर समय चिकित्सा विभाग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मरीजों का उपचार करने में लग रहे थे और अपनी जान जोखिम में डालकर भी सेवाएं दे रहे थे, आज उन कर्मचारियों को 7 महीने बाद 31 अक्टूबर को सेवा समाप्त करने का नोटिस पकड़ाया गया, जिसको लेकर उन्हें खासा आक्रोश देखा गया। और जो नर्सिंग स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, वो छात्र छात्राएं हैं, वो आज सीएमएचओ जिला चिकित्सालय पहुंचे, उसमें मुलाकात करते हुए उन्हें सेवा से बाहर नहीं करने की मांग करी। और साथ ही उनका कहना है कि मैं 3 महीने के लिए सेवा पर रखा गया था, जिसके बाद 7 महीने तक उनका सेवा अवधि बढ़ाया गया और उनसे लगातार कोरोना काल के दौरान सेवाएं ली गई, लेकिन आज उन्हें उपयोग करने के बाद सरकार उन्हें बाहर करने के लिए चिकित्सा विभाग जो आदेश जारी कर रहा है उसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ मांग करते हैं कि उन्हें बाहर नहीं किया जाए, उन्हें लगातार चिकित्सा विभाग में सेवाएं देने दिया जाए। हमारी मांग ये है कि अभी 7 महीने से हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, 3 महीने का पहले हम लोगों को सबको नियोजित किया गया था और उसके बाद 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया था कोविड-19 के अंतर्गत और उसके बाद 1 मंथ का एक्सटेंशन था। लेकिन अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना मुक्त भारत हो चुका है, 7 महीने में कोरोना था और अब खत्म हो गया है कोरोना बिल्कुल, इसलिए सबको 2 डेज का अल्टीमेटम दे के घर भेज दिया गया है। और कुछ कुछ स्टाफ की यहाँ पे नियुक्ति रखी गई है, वो भी अभी कुछ ऐसा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अगर ऐसे समय में हमने साथ दिया है तो हमको आगे भी निरंतर किया जाए। हम ये चाहते हैं कि जितने भी जो हमारे जो स्टाफ है, जिन्होंने कोरोना के समय में इतने मुश्किल समय में जब यहाँ के जो बहुत सारे जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे वो तक जो दूर भाग रहे थे अपनी सेवाओं से, और बहुत सारे जगह के आपको भी पता होगा कि बहुत सारी जगह से जो सरकारी के डॉक्टर्स थे या जो स्टाफ थे उन्होंने रिज़ाइन करके तक घर बैठे हैं। उस सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन में आगे आकर के हमने जब उनकी सेवाएं करी है और हमने प्रदेश के जो कोविड को कंट्रोल करने के अंदर हमने जो हमारा योगदान रहा है उसको देखते हुए हमारी सेवाओं को आगे एक्सटेंड किया जाए और अगर ज़्यादा कम से कम हमें जो संविधा के अंदर उसके अंदर हमारा सविलियन किया जाए। देखिए, जो हमारी हमने कुछ डॉक्टर्स पैरामेडिक्स और इनको नियोजित किया था कोविड-19 में सेवाएं देने के लिए, ऊपर से आदेश आया है कि उनके नियोजन दिनांक 31/11 से समाप्त हो जाएगा, 31/10 से वो समाप्त हो जाएगा और कुछ संख्या में कुछ हमको कटौती कर दी है और वो जो कटौती में जितने में हमको संख्या भोपाल से जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रखेंगे। इनकी मांग तो कुछ नहीं है, इनकी मांग ये है कि हमें हटा रहे हैं तो हम लोग क्या करें। तो हमने बोला जो तो नियोजित किए गए थे, ना आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो, ना संविदा पे हो, ना रेगुलर हो, और ये नियोजन किया गया था तो नियोजन में तो कुछ समय के लिए ही रखा जाता है और वो रखे हैं इनको। और अब नियोजन ने ऊपर जो है स्वास्थ्य विभाग ने उसको लेटर में लिख दिया कि केवल इतने ही लोगों को रखना है।